खरगोन के दसंगा में मंगलवार सुबह हुए बस हादसे में दो दर्जन लोग अकाल मौत का शिकार हो गए। दर्दनाक सड़क हादसे में 24 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। घटना के बाद प्रभारी मंत्री ने किया दौरा। मंत्री कमल पटेल ने किया RTO को सस्पेंड। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर मृतक परिजनों को और घायलों को दी संवेदनाएं एवं आर्थिक मदद। खरगोन दसंगा में हुए दर्दनाक सड़क हादसे के बाद घटना को लेकर कृषि मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल हेलीकॉप्टर से खरगोन पहुंचकर मरीजों से मिलने जिला अस्पताल पहुंचे और उन्हें हर संभव मदद देने की बात कही और बस हादसे को लेकर खरगोन RTO बरखा गोड को निलंबित करने के निर्देश दिए। पटेल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस घटना की जाँच की जाएगी, इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। इस दहशत हादसे में अब तक 24 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। मृतकों की संख्या में इजाफे की आशंका है। 9 गंभीर घायलों को इंदौर रेफर किया गया है। 35 घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद से ही सरकारी तंत्र ताबड़तोड़ घटनास्थल के दौरे कर रहा है, जिसमें IG ने भी घटनास्थल का दौरा किया और मजिस्ट्रियल जाँच के आदेश दिए। इधर घटना के बाद प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ट्विटर के माध्यम से मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवार को 2 लाख एवं घायलों को 50,000 की आर्थिक सहायता दी। वहीं मुख्यमंत्री चौहान ने भी ट्वीट करके मृतक जनों के परिवार के प्रति शोक व्यक्त किया एवं परिवार को 4 लाख रुपए तथा घायलों को उपचार के लिए 50,000 की आर्थिक सहायता दी। एक दुखद घटना हुई जिसमें लगभग 2 दर्जन लोग मारे गए। देखिए, बहुत ही दुखद घटना है। हृदय विदारक है। एक ड्राइवर की लापरवाही और RTO की इनकी लापरवाही के कारण जो चेक नहीं करते हैं ओवरलोड बस जाती है। हमने निर्देश दे रखे हैं पहले से, कोई भी ओवरलोड नहीं चलना चाहिए, फिटनेस होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं किया, तो इसलिए तत्काल प्रभाव से हमने RTO को निलंबित किया। जितने भी अधिकारी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनको उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और विभाग की अभी जाँच भी हो रही है और जाँच में बांधे नौकरी से बर्खास्त भी करेंगे ताकि आगे दूसरे अधिकारी की कर्मचारी की हिम्मत नहीं हो इस तरह से लापरवाही करने की। सरकार पूरी तरह से सख्त है, हमने निर्देश दिए हैं और पूरी जांच होगी। क्योंकि बहुत तेज स्पीड में बस थी और 35 की जगह 67 लोग उसके अंदर अभी तक जानकारी में आए हो, अभी और भी जानकारी आ सकती है और इसलिए कितने की मौत हुई है और कितने घायल हैं? 24 लोग के उसमें मृत्यु हुई है और उनके परिवार को हमने संभल देने के लिए मुख्यमंत्री ने 4-4 लाख की सहायता की घोषणा की है। 50,000 गंभीर रूप से घायल और 10,000 सामान, लेकिन उसके अलावा जितने भी लोग पेश घायल हुए हैं सबका इलाज सरकार कराएगी, चाहे सरकारी अस्पताल हो चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री, तत्काल मैंने उनसे चर्चा की, उन्होंने मुझे कहा कि मैं तो गाड़ी से आ रहा था, उन्होंने कहा नहीं हेलीकॉप्टर से जाओ। तत्काल के मिनट के बाद हम आए और मैंने देखा एक एक पेशेंट से मिला हूँ। सीधी सीधी प्रथम दृष्टा दो दोषी हैं, ड्राइवर और RTO। और उसके अलावा मैंने SP कलेक्टर को निर्देश दिए हैं कि सारे कोई भी डंपर हो ओवरलोड कोई भी अवैध खनन सबके ऊपर सख्त कार्रवाई करो और नियम कानून से सख्त कार्य चले और जो लापरवाही नहीं कार्रवाई की तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई करें, क्योंकि कोई भी पत्रिंदा पर नहीं मान सकता। लेकिन इनकी लापरवाही की वजह से, वरिष्ठ अधिकारियों की लापरवाही की वजह से नीचे गड़बड़ियाँ होती है और इसलिए अब वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। प्रशासन।